हेलो एंड वेलकम टू मिशन CAPF हब। मिशन CAPF हब में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CDS के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में CDS का, उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए उनका सबका एनालिसिस हम देखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको कवर कैसे करना है और आउट ऑफ मार्क्स उस करंट अफेयर्स के सेक्शन में कैसे लाना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन टू पिलर स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा है। रिसेंटली द टर्म टू पिलर स्ट्रैटेजी ऑफन सीन इन न्यूज़। टू पिलर स्ट्रैटेजी किससे रिलेटेड है ये पूछा है, तो इट इज़ रिलेटेड विथ मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स। यानी कि जो OECD का एक रिजोल्यूशन है कि यहाँ पे क्या करना है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ MNC प्रॉफिट्स एंड लोकल टैक्सिंग राइट्स एंड मिनिमम टैक्स एंड सब्जेक्ट टू टैक्स रूल। ये जो है फ्रेमवर्क है, ये इसको टू पिलर स्ट्रैटेजी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो टैक्स अवॉइडेंस है, बड़ी बड़ी MNC कंपनीज क्या करती है कि किसी टैक्स हेवन कंट्रीज से उनका जो पूरा ऑपरेशन है वो ऑपरेट करते हैं। और उससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स है, जैसे कि इंडिया है या बाकी कोई बड़े कंट्रीज़ है, उनको जो है वो टैक्स नहीं मिलता। तो ये टैक्स अवॉइडेंस जो है इसको ये करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स इम्पोज करने का एक सोच रहे हैं, उसमें ये टू पिलर स्ट्रैटेजी न्यूज़ में ही। तो इस क्वेश्चन का सोर्स आप देख सकते हो कि जुलाई 2021 का जो हमारा CDS इसका मिशन CAPF का जो मैगजीन है CDS के लिए या CAPF के लिए या बाकी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, ये NDA है, CDS है, ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम्स जो है CAPF जो भी UPSC कंडक्ट करता है या बाकी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स है, उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये मैगजीन बनाया गया है। और यहाँ पे आप जुलाई मंथ से देख सकते हो कि जुलाई मंथ से ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे वैक्सीन्स पे क्वेश्चन पूछा है कि मैच करना है हमको, करेक्टली मैच्ड पेयर फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोवैक्सीन इज़ इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, इज दिस राइट? यस, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, और कोविशील्ड mRNA वैक्सीन, नो गाइज, एक ही mRNA वैक्सीन अब तक कंट्री में है हमारे और ये डेवलप हो रहा है। ये ZyCoV-D नाम का एक वैक्सीन है, ZyCoV-D, ये जो वैक्सीन है इट इज़ दी ओनली mRNA वैक्सीन, बाकी की कोई भी mRNA वैक्सीन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Sputnik V जो है इट इज़ वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, हमने ये कवर किया है हमारे मैगजीन में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अबाउट कोवैक्सीन के बारे में क्या दिया है यहाँ पे, इट इज़ एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन विच इज़ डेवलप्ड बाय इनएक्टिवेटिंग किलिंग दी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज द डिसीज़। कोविशील्ड के बारे में भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन वीकेंड वर्जन ऑफ दी कॉमन कोल्ड वायरस और दी आइडिनो वायरस दैट इज़ फाउंड इन चिंपांजीज। तो ये दोनों के बारे में हमने दे दिया है, इट इज़ कोविशील्ड के बारे में भी बता दिया है कि mRNA वैक्सीन नहीं है ये, एंड ये कोवैक्सीन के बारे में तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन विच इज़ डेवलप्ड बाय इनएक्टिंग और किलिंग दी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? एनी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विथ अ वैल्यू ओवर 1 बिलियन। कोई भी स्टार्टअप कंपनी है, बड़ी या पुरानी कंपनी नहीं, जैसे कि कोई रिलायंस कंपनी हो, या इनका बहुत ही ज़्यादा कैपिटल है, वैसे इनका टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा है, बट कोई स्टार्टअप आ जाए और वो स्टार्टअप जो है वो क्या कर ले, 1 बिलियन का जो मार्क है वो क्रॉस कर ले। एनी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विथ अ वैल्यू ऑफ ओवर 1 बिलियन, यानी कि बिजनेस एंटरप्राइज शुरू करने के 4 या 5 सालों में वो स्टार्टअप कंपनी कहलाती है, इन द बिगिनिंग फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। एंड वहाँ पे क्या होता है कि अगर वो कंपनी 1 बिलियन का जो उनका जो मार्क है टर्नओवर का वो अगर क्रॉस कर लेती है, तो उसको वैल्यू क्रॉस कर लेती है 1 बिलियन का, तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूज़ में आने का कारण है चेन्नई सुपर किंग्स इज़ दी ओनली कंट्रीज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी। ठीक है, CSK जो है इट इज़ कंट्रीज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी, इट हैज़ बिकम दी कंट्रीज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न विथ इट्स मार्क कैप हैविंग टच्ड अ हाई 7,600 करोड़। ठीक है, 7,600 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है वो क्रॉस हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फरवरी 2022 का CAPF का जो मैगजीन है वहाँ पे हमने ये चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव पॉपुलरली नोन एज 30x30 टारगेट, ये किससे संबंधित है, ये ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आप यहाँ पे अक्टूबर 2021 का जो मैगजीन है वहाँ पे देख सकते हो
कि हमने मेंशन किया है, एम टू प्रमोट एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन बाय 2030। डायरेक्टली सेंटेंस है और यहाँ पे आप जो ऑप्शन में सेंटेंस है वो मैच करके देखिए, एग्जैक्टली जैसा क्या वैसा यह आया है यहाँ पे, एटलीस्ट 30% ऑफ द प्लैनेट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय 2030। यहाँ पे जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी के सब ऑप्शन जो है रॉन्ग है। यहाँ पे प्लैनेट का प्रोटेक्शन यहाँ पे इसकी बात हो रही है, बाकी के सारे ऑप्शंस इलॉजिकल है। एटलीस्ट 30% ऑफ द कल्टीवेटेड एरिया शुड बी ब्रॉट अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो ऐसा कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग का वगैरह, यहाँ पे आप देख सकते हो। अक्टूबर 2021 का जो मैगजीन है आप अभी भी खोल के देख सकते हो, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख मिडल ईस्ट क्वाड, मिडल ईस्ट क्वाड नाम से एक इस्टेब्लिश हुआ है, मिडल ईस्ट क्वाड एक, वहाँ पे कौन सी कंट्रीज़ है, इसराइल है, यूएई है एंड यूएसए है। अभी क्वाड जो ग्रुप है हमारा, क्वाड ग्रुप में कौन कौन है, क्वाड ग्रुप में है यूएस, ठीक है, इंडिया का जो क्वाड है जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, यूएस है, इंडिया है एंड ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये चार कंट्रीज जो है ये हमारा जो इंडिया का क्वाड है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं, यहाँ पे ये चार कंट्रीज़ है। और जो मिडल ईस्ट क्वाड नाम से बनाया गया है ग्रुपिंग, उसको उसमें कौन कौन है, इसराइल है, यूएई है, यूएसए है, ये तीन कंट्री जो है यहाँ पे है। यहाँ पे ये अब्राहम अकॉर्ड जो साइन हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड, क्योंकि ये जो इसराइल एंड पैलेस्टीन का जो डिस्प्यूट चल रहा था उस पर कोई अंडरस्टैंडिंग रीच करने के लिए या मिडल ईस्ट में पीस मेंटेन करने के लिए ये सब चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए आप, इंडिया, यूएस, यूएई एंड इसराइल फॉर्म अ न्यू क्वाड, कंट्रीज आर रेडी टू बिल्ड ऑन मोमेंटम क्रिएटेड बाय अब्राहम अकॉर्ड्स बाय होल्डिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ देयर फॉरेन मिनिस्टर्स। ठीक है, अभी जो अब्राहम अकॉर्ड है वो पहले ही कंडक्ट हो गया था, वो पहले ही कंक्लूड हो गया था, उसके बाद इसके आगे का स्टेप लिया है ये यूएसए, यूएई एंड इसराइल ने, और यहाँ पे मिडल ईस्ट क्वाड फॉर्म किया है। वैसे तो यूएई इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज इसराइल एंड कि एक पीस इस्टेब्लिश हो ऐसा मानना या इसराइल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना, ये मिडल ईस्ट में पहली कंट्री है यूएई की जो इतना इसराइल को भाव दे रही है। ठीक है, बाकी के कोई कंट्रीज़ नहीं है मिडल ईस्ट के जो इसराइल को भाव दे। ठीक है, यूएई जो है इन्होंने एक मॉडरेट स्टैंड लिया हुआ है इसराइल के साथ। ठीक है, बाकी के जो सारी कंट्रीज़ है जैसे कि सऊदी अरेबिया है, बाकी कंट्रीज़ है, उनका स्टैंड बहुत ही स्टर्न है। इसराइल को ये बहुत ज़्यादा हेट करते हैं क्योंकि इसराइल ने जो किया है, जो पैलेस्टीनियंस ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे वहाँ पे रहने वाले तो उनको निकाल दिया है, तो इसीलिए ये जो इस्लामिस्ट कंट्रीज़ है सब वो इनका इसराइल से नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यहाँ पे इंडिया हैड अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू बांग्लादेश इवन बिफोर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। ऐसा कैसे हो सकता है, इवन बिफोर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, वो क्या था, वो पाकिस्तान था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान दो पाकिस्तान थे। ठीक है, इंडिया के दोनों साइड में पाकिस्तान था और 1971 के पहले, तो तब तो हमने रिकॉग्निशन नहीं दिया था बांग्लादेश को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। जब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया है, वहाँ से 1971 में जो वॉर हुआ है उसके बाद जो है हमने उनको जो है फ्री स्टेट यानी एज अ कंट्री रिकग्नाइज किया है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन मार्च 2021 बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश हैड डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 6 दिसंबर एज मैत्री दिवस। ठीक है, 6 दिसंबर इन विच मंथ इट हैज़ बीन कवर्ड, इट इज़ कवर्ड इन डिसंबर मंथ इटसेल्फ। ठीक है, डिसंबर 2021 का सीएबीएफ का मैगजीन, वहाँ पे आप देख सकते हो मैत्री दिवस 6 दिसंबर, द फर्स्ट इंडिया बांग्लादेश मैत्री दिवस सेलिब्रेटेड द ग्लोब मार्किंग 50 ईयर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एंड ढाका एंड 50 ईयर्स ऑफ इंडो पाक वॉर। December 6, 1971 मार्क द रिकग्निशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन बांग्लादेश बाई इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हुआ है। December 6, 1971 ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए आप, 6 दिसंबर 1971 इस डेट पे हमने रिकॉग्नाइज किया है बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन। हमने कब रिकॉग्नाइज किया है बांग्लादेश को, इस डेट पे रिकॉग्नाइज किया है, तो इसके पहले नहीं किया था, 1971 के वॉर के पहले नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द टर्म्स पिनाका एंड स्मर्च मेंशनड इन न्यूज़ रिसेंटली रेफर टू, क्या है पिनाका एंड स्मर्च? पिनाका एंड स्मर्च है रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स, पिनाका एंड स्मर्च है रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये भी क्वेश्चन डिसंबर मंथ से आया है, डिसंबर मंथ का जो मैगजीन है हमारा, देखिए आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पिनाका एक्सटेंडेड रेंज, पिनाका ईयर द एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ द पिनाका विच इज़ प्राइमरली अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, MBRL सिस्टम वॉज टेस्टेड अलॉन्ग विद इट्स टू एंसिलरी सिस्टम्स, एरिया डिनाइल म्यूनिशंस एंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड फ्यूजेस।
ये सब हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ पिनाका वॉज स्टार्टेड बाई DRDO इन द लेट 1980s। यहाँ पे ये इसका बैकग्राउंड पूरा का पूरा कवर किया है। एंड यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे अंडरलाइन जो किया है पार्ट देखिए, इट इज़ अ रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सॉल्व कर सकते हो ये पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नियरली 600,000 AK-203 राइफल्स। AK-203 राइफल्स बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो ये क्वेश्चन मच एक्सपेक्टेड था, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आएगा। और ये इजी भी क्वेश्चन था वैसे, हमने कवर भी किया है हमारे मैगजीन में, दिसंबर मंथ से आया है। यहाँ पे देखिए आप दिसंबर मंथ से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है, 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन जो है दिसंबर मंथ से यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप और एक क्वेश्चन आपको मिल गया दिसंबर मंथ से, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन दिसंबर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग सक्सेडेड एंगेला मर्केल एज द चांसलर ऑफ जर्मनी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ओलाफ शोल्ज है। ये आपने न्यूज़पेपर या कहीं और पे भी पढ़ा होगा, बट हमने हमारे मैगजीन में भी कवर किया है इजीली। यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर मंथ से ओलाफ शोल्ज बिकेम जर्मनीज नेक्स्ट चांसलर, ठीक है, ओलाफ शोल्ज बिकेम जर्मनीज नेक्स्ट चांसलर। सो यहाँ पे हो गए कितने क्वेश्चन, ये जो है पहला क्वेश्चन है दिसंबर से मैत्री दिवस का, सेकेंड क्वेश्चन है पिनाका स्मर्च रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है AK-203 का, ये भी दिसंबर मंथ में न्यूज़ में था। और आगे आप देख सकते हो कि ओलाफ शोल्ज पे क्वेश्चन आया है जो कि जर्मनी के चांसलर बने हैं, एंड आफ्टर 16 ईयर्स ये हुआ है, ठीक है। तो एंगेला मर्केल जो थी वो उन्होंने कितना टर्म्स कंसिस्टेंटली ये किया था, ठीक है, उन्होंने 3 टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म्स शी वॉज द चांसलर ऑफ जर्मनी, एंड यहाँ पे 16 ईयर्स जो है उनका राज चला। उसके बाद एंगेला मर्केल ने खुद से स्टेप डाउन किया और ओलाफ शोल्ज ये नए चांसलर बने हैं जर्मनी के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नीलमणि फुक्कन जूनियर इज़ द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। दामोदर माउजो इज़ द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट भी होगा आगे जाके भी, तो आपको ये याद रखना है कि किसको ज्ञानपीठ मिला है, ज्ञानपीठ मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे 56 से आप 56 से फुकन ऐसा यहाँ पे लॉजिक लगा के इसको याद रख सकते हो, 56 फुकन। यहाँ पे 56 और फुकन थोड़ा क्या हो रहा है कि राइमिंग यहाँ पे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। दामोदर माउजो इज़ दी 57th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मैगजीन में कवर किया है दिसंबर 2021 की। ये 5th क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है दिसंबर मंथ से। ज्ञानपीठ अवार्ड विनर पोएट नीलमणि फुकन वॉन दी 56th ज्ञानपीठ अवार्ड 2020, एंड कोंकणी नोवेलिस दामोदर माउजो वॉन दी 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी के बारे में पूछा है कहाँ पे है, तो इट इज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। फेब्रुवरी 2022 का जो मैगजीन है वहाँ से क्वेश्चन आया है, और ये इट इज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट, ये स्टेटमेंट सही है, बट इट इज़ नॉट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड नहीं है। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है, खिजाड़िया इज़ इन गुजरात, नॉट इन उत्तर प्रदेश। फेब्रुवरी 2022 के जो मैगजीन है फेब्रुवरी 2022 का, वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अनाउंस्ड अ प्लान दैट सेट्स अ गोल ऑफ हैविंग अ फीवर दैन 5% ऑफ इट्स पॉपुलेस स्मोकिंग बाय 2025, ठीक है। न्यूजीलैंड जो है इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है रूल्स एंड लॉज यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूजीलैंड प्लान्स टू बैन यंग पीपल फ्रॉम बाइंग सिगरेट्स, ठीक है, इन देयर लाइफ टाइम इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट क्रैकडाउन्स ऑन टोबैको इंडस्ट्री। पीपल एज्ड 14 एंड अंडर इन 2027 विल नेवर बी अलाउड टू परचेज सिगरेट्स, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने स्ट्रिक्ट ये लाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर मंथ से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है, दिसंबर मंथ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन UPSC ने इस बार CDS के एग्जाम में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। इट इज़ वॉन बाय द चैंपियन मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021 नॉर्वेज मैग्नस कार्लसन बीट रशियाज आयन नेपोनिया चीन टू विन ग्लोबल टूर्नामेंट हेल्ड एट दुबई, ठीक है। ये तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये भी क्वेश्चन दिसंबर मंथ से ही आया है, ठीक है, तो दिसंबर मंथ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। तो ये सारा जो था करंट अफेयर्स का एनालिसिस था, हमारे सारे ये इनिशिएटिव चलते रहते हैं, और भी कोई कुछ क्वेश्चंस बाकी है वो डिस्कस करेंगे हम। और ये इनिशिएटिव जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, डेली आंसर राइटिंग का भी प्रोग्राम है, डेली सेल्फ एनालिसिस हम
डेली सेल्फ एनालिसिस विद आवर कंसाइज एंड डिटेल्ड मॉडल आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, मॉडल आंसर्स डेली के जो है, एंड फैक्ट शीट्स का भी चलता है, बाकी सब करंट अफेयर्स भी है, एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ये हमारी स्पेशलिटी है, ठीक है, 360 डिग्री मेंटरशिप है। तो आप ये कोई भी इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, डिस्कस करेंगे, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाधवान वेटलैंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट देम, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे? ऑल ऑफ देम आर नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड्स, नो इट इज़ नॉट करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर नॉट नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इट इज़ लोकेटेड इन हरियाणा एंड इट इज़ अ ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड, ठीक है, सो इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर रामसर साइट्स, येस ऑल ऑफ देम हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स एंड ऑल ऑफ देम आर बर्डिंग साइट्स, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स है जो सही है, बाकी का जो ऑल ऑफ देम आर नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड्स इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑगस्ट 2021 का जो मैगजीन है सीएबी हब का, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल ज्योग्राफिक एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो होती है वो हर दो साल में पब्लिश होती है, तो इसलिए जब भी ये पब्लिश होगी रिपोर्ट तब उस साल क्वेश्चन आना इस पर बनता ही है, ठीक है, हर दो साल में एक बार पब्लिश होती है फॉरेस्ट सर्वे। और यहाँ पे देख सकते हो आपकी मोर देन 84% जो है जो मिज़ोरम का एरिया है, समझो यहाँ पे ये पूरा एरिया है, तो इसका पूरा 80% जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है, 80% यानी कि जो पॉपुलेशन रह रहा है या अर्बन एरिया है, बाकी का जो रहने के लिए जगह जो है वो कितनी है, इट इज़ ओनली अबाउट कितना 15% जो एरिया है वो ही इतना ही एरिया यूज़ करने लायक है, बाकी का सब फॉरेस्ट है, ठीक है, मिज़ोरम में। वैसे आप ये फॉरेस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स टेरिटरी हम ये देख रहे हैं, अगर सबसे ज़्यादा अगर फॉरेस्ट हम एज अ एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया देखें तो वो कहाँ पे, वो मध्य प्रदेश में है।